من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل हमारे करम फरमा हामिद हुसैनी सैयद हामिद हुसैनी साहब कुछ गले में खराश की वजह से आज मौजूद नहीं हैं, वरना वो उन्वान और मुखर्रिर का तारुफ आपको तो पता है उन्हीं के ज़िम्मे रहता है, और उनके ग़ियाब में मैं हाजिर ख़िदमत हूँ। मैं ग़ुलाम यज़दानी कन्वीनर महाफिल आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारे दरमियान आपके जाने पहचाने मुखर्रिर जनाब मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नय्यर साहब, जो एक इस्लामिक स्टडीज़ के और इकबालियात के स्कॉलर हैं, वो हमें बड़े ही अहम उन्वान से मुखातिब कर रहे हैं। सीरत हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला, आपको तो पता है कि खुल्फ़ाए राशिदीन में उनका जो मुकाम है, वो न सिर्फ ये कि खलीफ़े दुआम है, बल्कि उनके दौर में जो कुछ नुमायाँ कार्रवाइयाँ हुई, नुमायाँ कारनामे हुए, वो आप मुखर्रिर साहब की ज़बान से ही सुने तो बेहतर है। मुझे यकीन है कि हमें वो भरपूर इस्तेफादे का मौका देंगे, क्योंकि जब कभी वो उन्वान तजवीज़ करते हैं तो बड़ी तैयारी के साथ आते हैं। और ये भी बता दूं मैं आपको कि हमारा अगला प्रोग्राम जो 21 जुलाई का है, ईमान और उसके तकाज़े, ये पीर के दिन हैं, और आप ही के जाने पहचाने आलम दीन हाफिज़ मोहम्मद इसहाक़ कमाल खारजी साहब मुखातिब कर रहे हैं। और पता है कि ईमान की अहमियत आप खुद समझते हैं, और ईमान और उसके तकाज़े तो एक रियाज से तजदीद हो जाती है हमारे ईमान की, अगर हम ऐसे ख्यालात से वाकिफ़ हों। तो ये शरीयत इंफॉर्मेशन सर्विस की 497वीं नशिस्त ये मुनाक़िद हो रही है पीर के दिन, इसी मकाम पर 21 जुलाई को बाद नमाज असर। मुझे यकीन है कि आप हज़रात भरपूर हिस्सा लेंगे। उसकी वजह यह है कि एक वजह और भी हो सकती है, वो ये है कि शायद एक और ऐलानिया जारी होगा, इसके बाद महाफिल का सिलसिला बंद हो जाएगा, क्योंकि माह रमज़ान में हमारे महाफिल नहीं होती। तो मैं ज़्यादा वक्त आपका लिए बग़ैर मैं गुजारिश करता हूँ अली जनाब ज़ियाउद्दीन नय्यर साहब से कि वो हमें अपने खिताब से इस्तेफादे का मौका दें। रगों में
से ज़कात के हिसाब किताब शुरू हो जाते हैं। यही नहीं बल्कि तायुन भी कर लिया जाता है कि किस मुस्ताहक को ये ज़कात दी है। एक 34 साल सेंटर, इस साल 34वां साल है। ये अहर के मकान पर सामने जो गली है, इसमें मेरा मकान है, उसमें कायम होता है वो। आखिरी इतवार रमज़ान का जो होता है, उसमें जो है आखिरी इतवार को सुबह 8:30 बजे से जोहर तक काम करता है वो सेक्टर। और उसमें जो नुमाइंदे आते हैं वो बड़े ही नामवर इदारों के नुमाइंदे हैं। मौलाना अली मियाँ का नदवतुल उलमा आपने सुना ही होगा, जो लखनऊ में है। और फिर यहाँ हमारे यहाँ जामे निज़ामिया, तूर बैतुल माल, तामीर मिल्लत और सबीलुस्सलाम, और हमारे मौलाना का है, उनका नहीं नहीं दारुल उलूम भी है। आखिर तरीके से फैज़ुल उलूम ये इदारों के नुमाइंदे आते हैं, रसीद बुक रखते हैं। मंशा ये होता है कि आप रास्त अदा करें, कोई बीच में तवस्सुत नहीं। अलबत्त ऐसी सूरत में मजबूरी होती है कि जब कोई ये कहता है कि मैं चला जा रहा हूँ साहब बाहर, या आपके पास अमानत रखा दे रहा हूँ, तो उनसे फहरिस्त ले ली जाती है। और जब वो नुमाइंदे आते हैं उनके हवाले करके और फहरिस्त उनको रवाना कर दिया जाते हैं। और दूसरी ये भी होती है कि बैरूनी ममालिक से लोग आते हैं, और बैरूनी ममालिक से लोग ज़कात भेजते हैं, और वो ये कहते हैं कि आपके सेंटर से ये रसायद हासिल करके हमको दे दें, तो वैसी भी रुखमात जमा होती हैं। तो मेरी गुजारिश है कि माह रमज़ान अब शायद 9-10 दिन बाकी है, जब आप ऐसे जो हज़रात जिन पर ज़कात लाजिम है और फिर ऐसे भी जिनसे के मशवरे किए जाते हैं, तो वो इन इदारों की अहमियत को आप समझते हैं। इसमें हम किसी ऐसे इदारे को नहीं देते जहाँ तक मुमकिन हो जिसमें समझिए कोई ऐसा निज़ाम हो जिसके, और भी जैसे दरगाहों वगैरह की आमदनी हो, उस किस्म के इदारों को नहीं, बल्कि तालीमी इदारे हैं खालिस फसल के। और आप तो जानते हैं जमात इस्लामी का, इस्लामिक सोशल सर्विस सोसाइटी है, या तामीर मिल्लत है, ये ऐसे इदारे हैं जो जाहिर है कि हमारे खिदमात के लिए जाने पहचाने जाते हैं, जाने माने जाते हैं। तो बहरहाल आप कोशिश कीजिए कि बाहर के लोग भी, आपके जो अजीज़ अखारिब हैं उनको भी मशवरा दीजिए, और आप ख़ुद भी। आज के रहनुमा में भी बॉक्स आइटम के तरह छपा है और दूसरे अखबारों में भी आ जाएगा। और 8-10 दिन पहले छापने की वजह यह है कि चूँकि लोग अभी से तायुन कर लेते हैं, और ये कहा जाता है
ये बल्कि सभी मानते हैं कि माह रमज़ान में उसका सवाब ज़्यादा होता है ज़कात निकालने का, तो ज़कात जो है माह रमज़ान से आगाज से शुरू हो जाती है। इस वजह नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद, मोहतरम गुलाम मिर्ज़ानी साहब सीनियर एडवोकेट, मौजिज हाजरीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज तारीख इस्लाम की इस क्लास का गुफ्तगू का मौजू खलीफ़े दुअम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और ये उन्वान देने का मंशा यही होता है, बल्कि तारीख़ इस्लाम की क्लासेस मुनक़िदी इसलिए की जाती हैं कि हमको मालूम हो कि हमारे असलाफ़ के क्या कारनामे थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को किस तरह से एलाए कलमतुल्लाह के लिए और इस्लाम के फ़रोग़ के लिए, इंसानियत को नजात दिलाने के लिए, जुल्म से, जोर से, फसाद से इस्लाम एक सलामती का मैसेज, सलामती का मजहब जो अल्लाह ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसातत से हमको भेजा, और आपने अपने मिशन की पूरी तकमील की और हज्जतुल वदा के मौके पर ऊँट के कजावे पर खड़े होकर आपने ऐलान फरमा दिया कि अलयौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतमतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना, मैंने आज अल्लाह के दीन की तकमील कर दी, व अतमतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए अल्लाह ने नेमत के तौर पे पसंद किया और दीन इस्लाम को, इन्नत दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक जो है, और अल्लाह का फजल करम है कि ये कि जितना हम शुक्रिया अदा करें अल्लाह का कम है कि हम जो है मुसलमान घराने में पैदा हुए। अगर हम अरे गैरे के घर में पैदा होते फिर हमको तौफीक होना उतना समझना हम सही जगह हैं गलत जगह पे हैं, जैसा कि हमारे दीगर बरादरान वतन हैं। तो हर जुमा के खुतबे में, हर निकाह के खुतबे में ये आयत कुरान मजीद की पढ़ी जाती है, या अय्युह लज़ीना आमनूत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, यानी हमको मौत ना आए मगर इस हाल में कि ईमान की हालत में मरे। तो ये अल्लाह के जो एहसानात हैं, वइन तउद्दू निअमतन ला तुहसुहा, अगर आप अल्लाह की इनामात का एहसानात का जिक्र करना चाहे तो आप उसका हक अदा नहीं कर सकते, आप गिरी नहीं सकते। हर सांस हमारी आ रही जा रही, अब इतने लोग यहां बैठे हैं सबका हर एक का हिसाब अलग अलग है, हम उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। तो अब उसको अगर इन शॉर्ट बयान करना हो तो हम ऐसा बयान कर सकते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि सबसे बड़ा एहसान यह है कि उसने हमको जमादात नबातात हैवानात में से पैदा नहीं किया, इंसान बनाकर पैदा किया, अशरफुल मखलूकात बनाकर पैदा किया, यह अल्लाह का पहला बड़ा एहसान। अगर इसको फिर समप करके कोशिश करें तो अल्लाह का दूसरा बड़ा एहसान यह है कि न सिर्फ हमको इंसान बनाकर पैदा किया, मुसलमान बनाकर पैदा किया, मुसलमान घराने में पैदा किया। अगर हम मुसलमान बनकर ही पैदा होते, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में पैदा हो जाते, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में हो जाते, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम में हो जाते, लेकिन सब अभी दीन मुकम्मल होने की तकमील के मराहल में था, अभी इंसानी तमद्दुन जो है तश्कील के मराहल में था, वो आहिस्ता आहिस्ता फरोग पा रहा था जी। लेकिन
अल्लाह ने न सिर्फ हमको हैवान बनाकर नहीं पैदा किया, अल्लाह इंसान बनाकर पैदा किया, मुसलमान घराने में पैदा किया, अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान यह है कि हमको मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती बनाकर पैदा किया। ये सबसे बड़ी फजीलत का मुकाम है। मेराज पे रसूलुल्लाह गए और उम्मत मोहम्मदिया क्या हुआ, उनकी मेराज क्या है, मेराजुल मोमिनीन। मोमिनीन की मेराज क्या है, मोमिन बनना, ईमान साहेब ईमान जिंदा रहना। तो ऐसे अल्लाह ताला के हम पर एहसानात हैं, उसी एहसान को किस तरह से सहाबा ने फरोग दिया। सूरह फतह के आखिरी रुकू में पढ़ते हैं आप, वल्लज़ीन माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम। जो मोमिन होते हैं, जो सहाबा थे, अल्लाह के रसूल के सहाबा थे, कंपेनियंस थे, वो क्या थे, आपस में रहीम थे, आपस में रहीम थे, मोहब्बत रखते थे एक दूसरे के साथ। अखुवत अल्लाह के रसूल ने उनमें पैदा कर दी। कैसे अखुवत पैदा कर दी, मवाखात कायम करके। जी जब मदीना गए तो मवाखात कायम कर दी आपने, और हम में आपस में मोहब्बत। लेकिन अगर किसी इंसान से, किसी ग्रोह से दुश्मनी भी थी तो किस वजह से थी, कि वो शिर्क को पसंद करते हैं, वो अल्लाह को मानते नहीं, अल्लाह को तस्लीम नहीं करते, और न तस्लीम किए न तस्लीम किए, बल्कि उल्टा मोमिनीन पे जुल्म करते हैं। तो उसके लिए मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया कि वो आपस में रहीम है लेकिन काफिरों पर सख्त हैं, जो इनकार करने वाले हैं सख्त है। सुमरात क्या है, खामखा के जाके छेड़ ले देनी, बल्कि उनसे यही कहते हैं हम मारूफ इसमें कि किसी को छेड़ो मत, कोई छेड़ा तो छोड़ो मत, इतना ही बोलते हैं और कुछ भी नहीं। सेल्फ डिफेंस की बात, हम अपना आइडेंटिटी के साथ हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, तैयार पर रहना चाहते हैं, अमन पसंद शहरी हैं। जी कितनी तारीख में कौमें हैं जो हमारे असलाफ के हुकूमतों को पसंद किया, खैर मकदम किया। राजा दाहिर के जमाने में जब मोहम्मद बिन खासिब हमलावर हुआ, हुजूर अकरम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दिस गए तो अंग्रेजों, उस जमाने के जो मसीहीन थे, सब उनका खैर मकदम कर रहे थे, आइए। ऐसे हुक्मरान तो हम देखे नहीं जो इंसाफ का बोलबाला करने वाले, जो मसावात का ख्याल करने वाले। ऐसे ही इस रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरिश्तों में, के दोस्तों में, सहाबा में, उनके लिए हदीस आई, क्या, असहाबी का नजूम बी अईहिम इहतदैतुम इक्तदैतुम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, असहाबी का नजूम, नजम की जमा का नजूम, बी अईहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, जिसने भी मेरे सहाबा की पैरवी की, इक्तदा की, अल्लाह उन्हें इहतदैतुम, उन्हें हिदायत से नवाज दिया, हिदायत याफ्ता हो गए। किसी भी सहाबी की इताअत कर लें, पैरवी कर लें, ऐसा बड़ा मुकाम सहाबिया का है, असहाब रसूलुल्लाह का है। उसमें भी असहाब बदर का बड़ा मुकाम है, अभी जिक्र आएगा उनका, असहाब बदर का। उसमें असहाब बदर में भी फिर हैं अशरा मुबशरा, उनका और बड़ा मुकाम है। उसमें भी फिर क्या है, खुलफाए राशिदीन है, इनका और बड़ा मुकाम है। और खुलफाए राशिदीन में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पे मैं गुज़श्ता महीने में यहां गुफ्तगू कर चुका हूं। अब हम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मुतालिया कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक की उम्र 27 साल थी जब अल्लाह के रसूल ने अपनी बेअसत का ऐलान फरमाया।
40 साल की उम्र में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गार हिरा में वही नाजिल हुई और आप नबी की हैसियत से अल्लाह आपने ऐलान फरमाया कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। उस वक्त हजरत उमर फारूक की क्या उम्र थी? 27 साल के थे, 27 ईयर्स ओल्ड। और उनके खानदान में एक उनके कजिन होते थे, उनका नाम जैद था। वो मुसलमान हो गए खामोशी से। इब्तदाई जमाने में खामोशी से हो रहा था काम, तबलीग का काम खामोशी से हो रहा था, खुलम खुला नहीं हो रहा था, क्योंकि अल्लाह का हुक्म आया था अंजिर अशीर तकल अकरबीन, क्या है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने कराबतदारों को, रिश्तेदारों को अल्लाह से अल्लाह का पयाम दीजिए। लेकिन जब 3 साल के बाद हुक्म हुआ कि फसदा बीमा तुमर, आप खुल्लम खुला ऐलान कर दीजिए, तो फिर कोहे सफा पे आके खड़े हुए ऐलान किया, कहा कि मेरे पीछे फौज है, हमलावर होने वाली है, तो सबने कहा नहीं, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, हमने कभी आपको झूठ कहते हुए नहीं सुना, हम यकीन करेंगे। लेकिन वही वो जो कहते थे हमेशा अमीन सादिक, उनको मुजम्मम कहने लगे, मोहम्मद को मुजम्मम कहा, उनके खाक के अनवर पर मक्के की खाक उड़ाई गई, उनकी खारे मुगीला से तवाजो की गई। तो ऐसे में 40 से 50 लोग मुसलमान हुए थे 6 साल के अरसे में, और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े शदीद मिजाज के थे पहले से, गुस्सा बड़ा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में कहते थे, ऐ अल्लाह इन दो उमरैन में से किसी एक को इस्लाम की तौफीक दे। एक उमर, उनका भी नाम अबू जहल का नाम उमर था, और दूसरे उमर बिन खत्ताब, इन दो उमर में से किसी एक को तो तौफीक दे, क्योंकि ये बड़े सख्त हैं ये लोग। तो मगर हजरत सख्ती मिजाज की वजह से आप में क्या करते थे, आपके खानदान में एक कनीज थी जिसका नाम था लुबैना, तो लुबैना को तो खूब मारते थे, खूब पीटते थे। गुलाम आज भी हमारे पास नौकरों के साथ जो होता उस जमाने में तो बहुत ज्यादा शिद्दत गुलामी का दौर, तो लुबैना को खूब मारते मारते थक के बैठ जाते थे, बोलते थे अब थक गया हूं फिर मारूंगा। तो आखिर जब इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता मक्के में फैल रहा था, तो हजरत उमर फारूक के दिल में आ गया कि ये रहे न बांस न बजे बांसुरी, मैं निकलता हूं, नऊज बिल्ला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही काम तमाम कर देता हूं। इस इरादे से गुस्से में जो है शमशीर बकफ होकर जो है निकले। तो गुस्से में जा रहे थे, रस्ते में मिले नईम बिन अब्दुल्ला। नईम बिन अब्दुल्ला भी हजरत उमर फारूक के रिश्तेदारों में से थे। उन्होंने देखे, अरे किधर जा रहे भाई, बड़े गुस्से में दिख रहे, जलाल में दिख रहे, किधर जा रहे? बोले बस मैं, उनको नहीं मालूम था उन्होंने मुसलमान हो गए उसे, नईम बिन अब्दुल्ला। बोले ये क्या रोज रोज का जो है नया दीन लेकर आए हैं, मैं अब उनका बस खात्मा करने चला हूं। तो नईम बिन अब्दुल्ला बोले, अजी हजरत पहले वहां कहां जा रहे, पहले अपनी बहन बहनवी के घर का जायजा तो लो। जैद के बेटे सईद, सईद ने शादी की थी इनकी बहन, उनका नाम भी फातिमा था, हजरत उमर फारूक की बहन फातिमा, फातिमा की शादी सईद से हुई, सईद किसके बेटे, जैद के बेटे। तो बहन बहन भी होना, घर पहुंचे खटका दिया, तो फौरी दरवाजा खोले, खोल के जो है जौरा उस वक्त कुरान मजीद की तलावत कर रहे थे, वो आवाज कान में पड़ी हजरत उमर के बाहर, दरवाजा खोलने पर अंदर आ गए। आने वाला, अभी कुछ पढ़ रहे थे तुम लोग, क्या पढ़ रहे थे? नहीं नहीं कुछ नहीं, बोल के बहन ने कहा। नहीं नहीं मैं सुन चुका हूं तुम कुछ पढ़ रहे थे। तो बोले हाँ हम बिल्कुल पढ़ रहे थे, मगर तुमको नहीं सुना सकते, तुम नापाक है, तुमको नहीं सुना सकते।
तो ऐसा तुम जो है दीन को कबूल कर लिए फला कर, गुस्सा आया, गुस्से से जो है बहनवी से भी भिड़ गए, बहनवी को से छुड़ाने को बहन आए तो बहन को भी हमलावर हो गए, बहन पर भी बहन लहूलहान हो गई। अब यहां टर्निंग पॉइंट आता है, ऐ उमर तुम जितना मारते हो मार लो, अब हमारे दिन से ईमान जाने वाला नहीं। ये बहन के बॉडी से खून बह रहा है और ये बहन के अल्फाज उनके दिल पे असर कर जाते हैं। अब हमारे तुम कितना मार लेते मार लो, हमारी जाने भी ले लो, मगर अब जो है हम उससे फिरने वाले नहीं हैं, हम बाज आने वाले नहीं हैं। ये जुमला जो है हजरत उमर फारूक के दिल पे चोट बन के लगा और फिर उन्होंने वो कलाम सुनाने की ख्वाहिश की तो कलाम सुनाया, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति मा फिल अर्ज वामिनु बिल्लाहि व रसूलिह, वहां तक पहुंचे। बिल्कुल साथी उन्होंने उनके चेहरे का रंग बदलने लगा, कलाम असर करने लगा। करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आमंतु बिल्लाहि व रसूलिह, अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाता हूं। जो घर से शिकार करने के लिए चले थे शिकार होके जो वापिस हो, तो दुआ रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनके हक में पूरी हुई, अबू जहल के हक में नहीं। तो चुनाचे सीधा जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां है मालूम करते हुए दार अरकम में पहुंचे। दार अरकम हाल में जो मक्के मुकर्रमा गए हैं, बाबे अब्दुल अजीज है, बाबे अब्दुल अजीज से दाखिल होते ही हरम शरीफ के सहन ने तवाफ में मताफ में दाखिल होने से पहले लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, रुकने यमानी का रुख होता है और कोहे सफा के दामन में, कोहे सफा तो बिल्कुल नामोनिशान खत्म हो जाए, पूरे पहाड़ तोड़ दिए। तो खैर वहां दार अरकम था, वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा अक्सर जमा हुआ करते थे, वहां पर मुकीम थे। तो हजरत उमर फारूक पहुंचे, आवाज दी तो लोग जरा सहम गए कि उमर आए हैं, इंतहाई गुस्से वाले और उनका एक रेपुटेशन जो भी था, तो लोग जरा थोड़ा सहम गए। तो हजरत हमजा सैयदुश्शोहदा रजी अल्लाह ताला अनु अम्मे रसूलुल्लाह ने कहा, आने दो, किस इरादे से आए हो, वरना उनका सर जो है मैं उड़ा दूंगा। वो भी बहुत जय्यद पहलवान थे उस जमाने के और वो मुसलमान हो चुके थे, मुशर्रफ इस्लाम हो चुके थे। तो चुनाचे जब हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़कर वो रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में इतना पुर एतमाद लहजा था कि आवाज उमर की दब गई और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोला और वो दाखिल हुए। किस इरादे से आए हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तो मैं ईमान लाने के इरादे से आया हूं। तो सुभान अल्लाह, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हुए। दार अरकम में उनका खैर मकदम हुआ और वो मुशर्रफ इस्लाम हुए 6 साल के बाद, जब उनकी उम्र 33 साल की थी, 33 ईयर्स के थे। और इस्लाम कबूल कर लेने के बाद उन्होंने कहा, अब तक आप लोग छुप छुप कर इबादत कर रहे हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हम जो है खुलम खुला जो है नमाज पढ़ेंगे, इबादत करेंगे। चुनाचे अब लोग पहली मर्तबा हजरत उमर फारूक आने के बाद, इस्लाम में दाखिल होने के बाद, काबुदुल्ला शरीफ के पास इज्तमाई नमाज जो है सबके साथ सामने होने लगी पहली दफा। अब उससे मुशरिकीन और गुस्से में आ गए कि ये जो बढ़ने लगे, अब उमर भी इनके पास चले गए, तो उनके मसाइब और बढ़ने शुरू हुए। तो फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर, आप जानते हैं कि एक पहली हिजरत जो है हबशा गए थे, बेनो लोग 2-3 इसमें,
और उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्ने शहल अब्दुल्ला इब्ने अशहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तीन सहाबी हैं जो मदीने मुनव्वरा को हिजरत करने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। इन तीन सहाबियों के बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 20 और सहाबा के साथ मदीना हिजरत करने का, और मदीना हिजरत करके कहां मुकीम रहे ये लोग, हजरत उमर फारूक भी आके खुबा में रहे, जहां खुबा की मस्जिद है जिनका जिक्र, खुबा की मस्जिद का जिक्र सूरह तौबा में आया है, तो वो मस्जिद के पास मुकीम रहे। उसका नाम था अवाली, आइन वाव अलीफ लाम ई, अवाली। अवाली जो है उलिया से बना है ना, जैसा हमारे पास भी बोलते तो जुबली हिल्स में रहते तो जरा मियारी मुकाम को बोलते अवाली। तो अवाली में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला रहते थे। उसके बाद आप जानते हैं कि बाद में जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्के से मदीना आ गए, और हजरत उमर फारूक पहले ही से वहां पहुंच चुके थे और अवाली में रहते थे। मस्जिद नबवी से जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम था वहां से कुबा ज़रा दूर है, तकरीबन 3 मील का फासला है, मगर रोज आना जाना मुश्किल होता था। तो इनके मवाखाती भाई जो अंसार में से जो इनके भाई बनाए गए थे उनका नाम था अतबान बिन मालिक। अतबान बिन मालिक जो है इनके भाई खरा दिए गए। तो क्या करते थे, एक दिन अतबान जाते थे और एक दिन हजरत उमर फारूक जाते थे हुजूर के पास, एक दिनार जो है जाते थे। तो बहुत सारी रिवायतों में जब हदीस की किताबें पढ़ते हैं और रिवायतें हजरत उमर फारूक से मंसूब की जाती हैं तो अक्सर जो है ये सहाबी का भी जिक्र आता, क्योंकि उन्होंने जिस दिन जाते थे बोलते थे आज क्या क्या हुआ मदीने में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या क्या हुआ सुनाते थे। तो रिवायतें जो आती हैं इसलिए उनका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी रहता है। और आप जानते हैं कि मदीना पहुंचने के बाद अब बाजमात नमाज होने लगी और यह जिक्र छिड़ा कि मुसलमानों को किस तरह से जमा किया जाए, बुलाया जाए इबादत के लिए, जिस तरह से यहूदियों के पास और मसीहियों के पास नाखूस बजाकर बुलाया जाता है, कोई म्यूजिकल ये आवाज देना जमा करने के लिए किस तरह से कर। तो ये शार आजम जो अजां का है वो हजरत उमर फारूक का तजवीज करता है। ये इतना बड़ा मर्तबा उनको मिला कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये तजवीज रखी कि जो है अजां के जरिए हम लोगों को जमा करें, और ये शार आजम है जो सारी दुनिया में आज फैला हुआ है, और ये तजवीज हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की। और आप जानते हैं कि जब मदीने में आए, अब यहां पहले क्या चल रहा था, अगर इकबाल के अल्फाज में अगर गुफ्तगू करें वहां खुदी का सबक चल रहा था, यहां बेखुदी का सबक जो है अब शुरू होता है। वो मक्की जिंदगी थी, अब ये मदनी जिंदगी है। मदनी जिंदगी के अंदर हुकूमत का क़याम जी शख्सी तौर भी नहीं बल्कि इज्तमाही नज्म व ज़ब्त, माशरे की तशकील, माशरे में एक दूसरे के साथ के क्या हुकूक हैं, नमाज जमात से कैसे पढ़ना, इज्तमाही काम जो कहां शुरू हुआ, मदीने में आने के बाद शुरू हुआ। तो नमाज की बुनियाद डाली गई, अजान का ऐलान हो गया। अब उसके बाद अब दुश्मन जो है अबू सुफियान और उनके साथी जो है कि भाई ये तो दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। शाम को तिजारत के लिए जाते थे, वापिस हो रहे थे, तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या है, अब अफेंस इख्तियार करें। डिफेंस था पहले मदीने में मक्के में रहने तक, अब अफेंस स्टेप, भाई उन तिजारत से सामान लेके जा रहा अबू सुफियान, तो रोको उनको, उनको बताओ कि हमारी भी कुछ कुव्वत है।
इस इरादे से आपने कुछ लोगों को भेजा, दो मर्तबा झड़प वड़प हो गई, चले गए। तीसरी मर्तबा अबू सुफियान ने क्या किया कि ये मुसलमान अब मदीने से नाका बंदी कर रहे हैं, हमारी तिजारत की रास्तों को रोक रहे हैं, तो लिहाजा उन्होंने मां से कुमक तलब की, फौज तलब की, लोगों को भर्ती का ऐलान किया। 950 लोग मिलकर जो है बदर के मुकाम पर जमा हुए। ये रमजान 2 हिजरी का वाकया है। 8 रमजान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 सहाबा को लेकर, जिसमें 83 महाजिर थे, 230 अंसार थे और सिर्फ 2 सवारियां थी जी, इतनी बेकसी के आलम समझिए, कुछ हथियार नहीं, कुछ जंग के जो है घोड़े नहीं, लेकिन ये 313 सहाबा को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। और वो अबू सुफियान जो है 950 का लश्कर उधर से, और इसके साथ जो थे जो तिजारत का सफर करके आ रहे थे वो 40, मिलके 1000 से कुछ ऊपर हो गए। अब बदर के मुकाम पर आप में से जो बदर गए हैं देख सकते हैं कि वहां पर शहदाए बदर की खबरें हैं, जो 14 सहाबी उसमें शहीद हुए। महाजरीन वो लोग जो मक्के से हिजरत करके मदीना आकर मुकीम रहे, उनको महाजरीन। हिजरत करना हमारे पास में, अभी तक पाकिस्तान में गए तो हैदराबाद से जो लोग गए ना, उनके घर में हमारे रिश्तेदारों के पास जाके मिले तो अरे ये महाजिर है बोलते, यानी हैदराबाद से निकल के वहां आए बोल के, यानी एक जगह से नखले मुकाम करे, नखले मुकाम करने वाले को महाजिर बोलते हैं। लेकिन महाजिर इस्लाम में खास इस्तलाह है, जो खास तौर से इसमें खास के तौर पे अगर देखा जाएगा तो वो मक्के से मदीना आने वालों के। और अंसार किसको कहेंगे? अंसार है नासिर की जमा, मदद करने वाला, अंसार मदद करने वाले। तो जो भी मक्के से आए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, इन लोगों को आपस में भाई बंदी करा दी इनकी, एक स्पॉन्सर तलाश किया। भाई मक्के से नया नया आदमी आया है, आखिर उसको मदीने में सेटल होने के लिए कोई तो कोई सपोर्ट चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक स्पॉन्सर वो था मुकामी आदमी, औस और खजरज दो कबीले थे मदीने में, और वहां अब्दुल्लाह इब्ने उबै तैयारी में था कि मेरे को यहां का बादशाह बनेंगे बोल के। ऐसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके तशरीफ लाए, उसके उम्मीदों पर पानी फिर गया और वो पूरा ग्रोह क्या हो गया, मुनाफिकीन का ग्रोह हो गया। और अंसार वो सच्चे मुसलमान जो महाजिरों का साथ दे रहे थे, ऐसे ऐसे उन्होंने साथ दिया कि अगर दो मकान है तो एक मकान उनको देना, एक मकान खुद रहना, हत्ता के किसी की दो बीवियां थी और वो एक महाजिर कोई शादी करना चाहे तो कहते कि भाई आप जिसको भी पसंद करें मैं उसको तलाक देता हूं और आप शादी कीजिए। ये ब्रदरहुड, इन्नमल मुमिनूना इख्वा वस्लिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाहा लअल्लकुम तुरहमून, ये अखुवत, ये मोहब्बत, शायद कि तुम पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो जाए। कहां है ये खिस्से हैं, शायद वो लोग कुछ मिट्टी से बने थे, हम कुछ मिट्टी से बने हुए, दूसरों की तो छोड़ो खानदान की तो हम वो नहीं करते। अगर हम कंपैरिजन करें तो हम खुद अपने भाई बहनों के साथ, अपने खानदान वालों के साथ हमारा जैसा सलूक होना चाहिए, जरूरतमंदों की जरूरियात की तकमील के लिए आगे बढ़ने का जज्बा, जानिसारी का जज्बा, मोहब्बत का जज्बा, ये कौन सिखाया है, इस्लाम सिखाया है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कुरान की आयत के मोमिन क्या है, आपस में भाई भाई हैं, भाई भाई हैं। तो ये ज़िमनन अंसार और महाजिर की तारीख में आ गया। तो ग़ज़वा बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा कर दिया, और फिर जमा करने के बाद गिड़गिड़ाकर जो दुआ की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर के मौके पर, वो पढ़ने से ताल्लुक रखती है कि अल्लाह कैसी मुश्किलात से तेरे नाम लेने वालों को मैं जमा करके लाया हूं तेरे हुजूर, अब तू ही तेरे दीन को बाकी रखने की इनसे काम लेने वाला है। बड़े ही
मारके तुलारा दुआ है, पूरे दिल के दर्द को आपने सामने रख दिया और दुआ उसके बाद की। हम लोग क्या करें, दुआ करिए बोलते हैं, बोलना ये भी हदीस है, ये भी सुन्नत है दूसरों से दुआ करो बोल के बोलना, लेकिन कोई काम करने के लिए पहले तदबीर भी करना। अगर तालिब इल्म ये बोले कि अल्लाह मियां मेरे को पास कर दे, मेरे को कैसा भी नंबर डाल दे, मेरे को मैं MBBS में एडमिशन मिल जाना, खाली दुआ से नहीं होता, मिडनाइट ऑयल बर्न करना पड़ता, खूब मेहनत करना पड़ता, फिर उसके बाद अल्लाह मियां से दुआ करना। कुदरत ने फुतूहात की रखी है यही राह, कुदरत ने फुतूहात की रखी है यही राह, सही अपनी तरफ से हो तो इत्माम मिन अल्लाह, असईयु मिन्नी वल इत्माम मिन अल्लाह, कोशिश अपनी तरफ से और उसकी तकमील अल्लाह ताला की तरफ से। और मोमिन उस हाल में अल्लाह देता है नहीं देता है बहरहाल खुश है, क्योंकि उसकी दुआ जाए नहीं होती, किसी और मौके पर काम आती होती, बशर्ते कि वो ईमान वो यकीन अल्लाह पर। इन्नमल मुमिनून इख्वा फासलिहू बैन अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, सूरह हुजरात की आयत है। खैर, तो जब सब बंदी हो गई, जंग होने लगी, तो सबसे पहले जो शहीद हुए वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम, जिनका नाम हजरत महजा था। हजरत महजा पहली शहादत मुसलमानों की तरफ से, 14 सहाबा शहीद हुए थे, मैं बोला जो 14 खबरें वहां पर मौजूद हैं, और 70 मुशरिकीन कुरैश के लोग कत्ल किए गए, मकतूल हुए 70, और 70 कत्ल करने के बाद कैसे कैसे लोग, अबू जहल, अतबा, शैबा, बड़े बड़े अकाबिर मक्के के सब शहीद, सब कत्ल किए गए, मकतूल हो गए। अबू जहल को जब उसका गला काटा जा रहा था तो बोला जरा नीचे से काटो, दम था उसमें, जरा नीचे से काटो। क्यों नीचे से काटो भाई, कि जब लाशें हो तो उसमें भी मेरे जरा गर्दन ऊंची रहे, तकबुर गुरूर। तो लोग पहले मौत से डरते नहीं थे, काफिर भी क्यों नहीं हुआ, मौत से डरता नहीं था, हम अब बहुत मौत बोले तो क्यों, दुनिया से बहुत मोहब्बत होगी, दुनिया से बहुत मोहब्बत होगी तो मौत बोलते खौफ आता, कुर्बानी तो दूर की बात है, शहीद होना तो दूर की बात है, मौत क्यों बोले से डर है। तो खैर, अबू जहल ने ऐसा कहा रिवायतों में आता है, तो सबसे पहले शहीद होने वाले हजरत उमर फारूक का गुलाम, जिनका नाम हजरत महजा था, और हजरत उमर फारूक ने उस जंग में अपने मामू आसी बिन हिशाम बिन मुगैरा को अपने हाथ से कत्ल किया, अपने मामू को। कोई रिश्तेदारी नहीं, ब्लड रिलेशनशिप का कोई वो एहसास नहीं, यहां ईमान और कुफर की जंग है, ईमान और कुफर की जंग है। तो क्या गालिब है, ईमान असल चीज है, दुश्मन है दुश्मन है, रिश्तेदारी कुछ भी नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे अब्दुर्रहमान इबन बकर उस जंग में भी इस्लाम कबूल नहीं किए थे, उधर थे, अहले मक्का की तरफ से आए थे, तो बोले अब्बा जान आप मेरे को कई वक्त जंग में ऐसा हुआ बदर में आप मेरे तलवार के नीचे आ गए थे, मगर आप बाप हैं बल्कि छोड़ दिया। तो उन्होंने क्या बोले, बेटे अगर तुम मेरे तलवार के नीचे आते तो मैं तो खत्म कर देता था, मैं ख्याल नहीं करता था, रिश्तेदारी का बाप है बेटा है मैं ख्याल नहीं करता था। ईमान, ईमान असल फैसला कुन वो है, रिश्तेदारी का वगैरह कोई मसला नहीं। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो है बड़ा कारनामा ये है, एक तो सबसे पहले उनका गुलाम शहीद हुआ और उसके बाद उन्होंने अपने मामू का खुद कत्ल किया। ये तो है गजवे बदर की बात जी। फिर आप जानते हैं कि मदीने में क़याम चलता रहा और
फिर दूसरे साल गज़वे उहद का मामला हुआ, फिर पांचवें साल गज़वे अहज़ाब का हुआ जिसको खंदक भी कहते हैं, और उसके बाद सुलह हुदैबिया हुआ। सुलह हुदैबिया में हजरत उमर फारूक से जो रिलेटेड चीजें हैं उसको मैं पेश करूं। हजरत उमर फारूक ने कहा, हुजूर ये आप दबकर सुलह क्यों कर रहे हैं, हम हक पर हैं। उसमें सबसे बड़ी जो लोगों को एतराज हो रहा था मुसलमानों में वो ये कि हमारा कोई फर्द अगर मक्का चले जाता है तो वो उनके सवाबदीद पर है कि उसको लौटाएं या ना लौटाएं, लेकिन अगर कोई काफिर मदीना आता है तो मुसलमानों का काम यह है कि उनको लौटाएंगे। इस दफा पर सबसे ज्यादा लोगों को वो था कि हम ऐसा क्यों, हम कम हैं क्या? 1400 सहाबा थे, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजे थे जाके फैसला करके आओ बल्कि मक्के में, तो बहुत दिन रुक गए वहां, तो एक खबर मशहूर हो गई कि हजरत उस्मान गनी शहीद कर दिए गए। तो आपने एक बैत ली, एक दरख्त के नीचे, बैत रिजवान कहते हैं उसको, कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला शहीद किए गए हैं तो उनके खून का बदला लिया जाएगा। तो खैर हजरत उमर फारूक ने भी उन लोगों में थे, हम दबकर क्यों सुलह करना? तो बोले जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं तुमको वही करना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले जो हिकमत है वो रसूलुल्लाह बेहतर जानते हैं, हम नहीं जानते। तो आप खामोश रहे, और उस वक्त तक अल्लाह मियां का यह हुक्म नहीं आया था कि बीवी अगर काफिर हो तो अपनी ज़ौजियत में रह सकती है, इसलिए उस वक्त तक दो बीवियां हजरत उमर फारूक की ऐसी थी जो काफिर थी, जो ईमान नहीं लाई थी। लेकिन सुलह हुदैबिया के बाद ये अल्लाह मियां का हुक्म नाजिल हुआ कि काफिर बीवियां साथ ही रह सकती, तो आपने दोनों बीवियों को तलाक दे दी। उसके बाद और एक शादी की जिससे हजरत आसिम पैदा हुए। हजरत आसिम वही हैं जिनके पोते हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हैं, जो खलीफे खामिस कहे जाते हैं, पांचवें खलीफा कहे जाते हैं, उन्हीं की औलाद में से हुई। खैर अहले किताब से शादी की इजाजत अभी भी बरकरार है। अब ये हमारे बाज़ मसालिक ये छेड़ते हैं कि अब चूंकि वो लोगों का ईसाई इस तरह से नहीं रहे कि सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते, बल्कि उनका ये अकीदा भी है ट्रिनिटी। ट्रिनिटी यानी आपके हजरत ईसा, उनकी वालिदा और अल्लाह मियाँ, ये तीनों को सलासा, ये सलासा का वो अकीदा रखते हैं, बाप बेटे। हजरत मसीह जो है अल्लाह के बेटे, तो शिर्क हो गया, लम यलिद वलम यूलद, वो शिर्क करते हैं। तो लिहाजा आज के ये जो साहिबुल किताब है उनको नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल अभी भी हमारे पास कई बड़े उलमा काफी इस बात पे ये हैं कि अगर रिलग हैं, अगर उनसे शादी होती तो वो जायज है। अहले किताब में उन्होंने अपना शुमार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, तो यहूद और नसारा के पास भी शादी की जा सकती है। खैर वैसे मौका आएगा तो बात करेंगे अपन। जी हाँ, काफिर थे जी, हाँ जी। तो उसके बाद हजरत उमर फारूक का एक और एक बड़ा कारनामा जो तारीख में याद रखने के जाने के काबिल है, खैबर की जब जंग हुई, खैबर की जंग में जो जमीन मिली तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमीन को मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो है जो जगह मिली थी जंग के मुजाहिद की हैसियत से, उसका नाम था समग, से मीम गैन, समग, समग नामी जो जगह मिली थी वो पहला एंडोमेंट औकाफ है, सबसे पहला औकाफ हमारे पास। वक्त की झगड़े की जमीन, आप सब जानते ना भाई, वक्त 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 वक्त,
तो सबसे तारीख इस्लाम में पहला वक्फ जो किए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने, और वो खैबर की फतेह के बाद सबसे पहला कारनामा अजान दिलवाए, दूसरा कारनामा वक्फ कायम किए, तीसरा कारनामा अपने हाथ से अपने मामू को कत्ल किया। और वो वाकया तो मैं अक्सर पेश करता रहा हूं कि गज़वे तबूक में आपने आधा माल ला के रख दिया हजरत उमर फारूक ने, और हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या करते थे, हमेशा पूरे का पूरा सामान ला के रख देते थे। तो हजरत उमर ये ख्याल किए अब के तो मैं उनसे आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि कुरान में आया फस्तबिकुल खैरात, अभी आप जकात का ऐलान किए, वो 27 तारीख को जकात का ऐसा अहतमाम होता है, फलां होता है, तो ये क्या चीज है, ये सबकत ले जाना है ना। जकात तो है ही है, देना ही है, फर्ज है, जकात के अलावा भी ज्यादा देना, और भी उससे ज्यादा जो है अपने पास जरूरत से ज्यादा है, हिरस जमा करने की इस्लाम तलकीन नहीं करता, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, जरूरतमंदों को देना, खानदान वालों को देना, ये सबको देने की बात करता है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह की बात करता है। तो यहां जो है हजरत उमर फारूक जो है आधा सामान ला के रख दिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे घर वालों के लिए क्या छोड़े, तो बार आधा सामान छोड़ा हूं आधा ला दिया हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछे आप क्या लाए, तो मैं सारा सामान ला के रख दिया हूं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को घर वालों के लिए छोड़ दिया हूं, उनके अमानत में दे दिया हूं। इसी को इकबाल ने मंजूम किया, परवाने को चिराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस, यह है इश्क। खाली इश्क है बोल के मुंह से बोले तो नहीं होता, अमलन प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। और जिसमें ईसार और कुर्बानी अपनी मोहब्बत की चीज, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, मोहब्बत वाली चीज, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी का आला मुकाम पा ही नहीं सकते जब तक कि अपनी अजीज तरीन शय अल्लाह के रास्ते में कुर्बान ना कर दो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल जब करीब आया तो आप रिवायतों में आता है कि 13 दिन बीमार थे, और कैफियत ऐसी होती थी कि कभी बुखार कम हो जाता कभी बढ़ जाता था। आखिरी दिन भी 12 रबीउल अव्वल को 11 हिजरी में पीर के रोज सुबह में तबीयत अच्छी मालूम हुई, मगर हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला ने हजरत अली से कहा, अली 3 दिन के बाद तुम गुलाम हो जाएंगे। हजरत अब्बास हजरत अली को बोले, हजरत अली को नहीं मालूम, चले जा रहे थे अपने घर को कि सरकार अच्छे हैं, हाँ, लेकिन हजरत अब्बास की वो नजर जो अब्दुल मुतलिब के खानदान में इंतकाल से पहले मरने वाले की जो कैफियत होती है वो मैं चेहरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे देख रहा हूं, इसलिए कहने लगे हजरत अली से, चलो अभी जाके तुम अपनी कुछ खिलाफत की बात है तो करते हैं। तो हजरत अली ने कहा, नहीं मैं नहीं जाना चाहता, और मैं ये नहीं चाहता कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल के बोल दिए तो फिर वो नहीं हो जाए, किताबों में ये भी लिख के आता है। ये जुमेरात का वाकया है, कि जुमेरात का वाकया क्या हुआ, जुमेरात का यह वाकया हुआ कि आप बोले कुछ खलम दवात लेकर आओ, मैं लिखाना चाहता हूं, उसको तारीख की किताबों में सफाए खिरतास के नाम से याद किया गया है, दवात कलम लेकर आओ, दवात कलम लिखाना चाहते, लेकिन एकदम जो है आप पर ऐसा हो गया कि एक बेहोशी की कैफियत आ रही, तो फिर वो लिखाना रह गया। हजरत उमर फारूक हमारे दीगर बरादरान जो हमारे मुख्तलिफ फिरकों में हैं उनका ये कहना है कि हजरत उमर फारूक जो है वो वसीयत को रुका दिए, नहीं बल्कि वो कैफियत आप पे तारी हो गई कि आप लिखा नहीं सकते थे, तो आपने कहा कि हमारे लिए कुरान बस है। हजरत उमर फारूक ने कहा है सब कुछ, कुरान बस है, अब आप
उसके उस हाल में नहीं है, आप नहीं लिखा सकते, नहीं लिखा है, नहीं लिखे। तो बहरहाल आपका विशाल इस दुनिया से जब आप पर्दा फरमा गए, तो पर्दा फरमाने के बाद अब तीन गुरु थे। एक तो जो है बनी हाशम, जो मक्का से मदीना आए थे, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक को जो है अपना लीडर तस्लीम करते थे। और एक दूसरा गुरु था बनी हाशम का, जो हजरत अली हजरत अब्बास की क़ियादत में खानदान रसूल था, बिल्कुल करीबी। और तीसरा अंसार का, जो ओस और खजर मदीने के रहने वाले थे वो लोग थे, और मुनाफिकीन तो मुनाफिकीन थे। तो जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, सबसे पहले अंसार सकीफा बनी सायदा में, जो रोजे रसूल से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर जहां बस स्टैंड है वहां पर अभी भी दरख्त लगे हुए हैं, वो सकीफा बनी साद, हजरत साद बिन उबादा जो अंसार के लीडर समझे जाते थे, उनके घर के ऊपर ये एक सेशन हुआ। अंसार जमा हो गए, कहने लगे कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, अब उनकी जगह खिलाफत हमको मिलनी चाहिए। और वहां पर एक दो तीन महाजिर भी थे, तो उन लोगों में नहीं तुम में कैसा मिलती है, हम लोग उसके हकदार हैं, रसूलुल्लाह हमारे पास से आए थे, इस तरह से गर्मा गर्म बहस। वहां से सुन के आदमी आके हजरत उमर फारूक के दिल में बोला, और हजरत उमर फारूक यहां जलाल में थे, कि जो कहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ मैं उसकी गर्दन निकालूं, आपको इतनी मोहब्बत से। और बाज लोग कहते हैं कि यह कैफियत आपने अमदन इख्तियार की ताकि यह ना हो कि फौरी जो झगड़े ना खड़े हो जाएं खलीफा बनने के, इसलिए आपने ऐसा किया। खैर, तो हजरत उमर फारूक का जब गुस्सा ठंडा हुआ, हजरत अबू बकर ने उनको खामोश किया, तो हजरत अबू बकर को लेकर वो वहां से निकलकर कहां गए, सकीफा बनू सायदा गए, जहां अंसार बैठ के डिस्कस कर रहे थे खिलाफत के बारे में। तो ये पहुंच के वहां पर क्या किए, हजरत उमर फारूक ने भी दलायल पेश किए कि हम सब में जो है हक किसका बनता है, मक्का वालों का बनता है। और पहले ही अंसार के बारे में ये राय अरब में उस जमाने में आम थी कि ये लोग हमारी टक्कर के कहां हैं, ये लोग लड़ने में महारब हरब में हमारा मुकाबला कहां से कर सकते हैं। तो इन लोगों को जरा अपना जाम था अंसार के मुकाबले में, तो अंसार की खियादत कबूल करने की कोई इम्कान नहीं था। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्बास रजी अल्लाह खानवादे रसूल जो हैं, वो तो आपकी तजहीज और तकफीन उसके मसाइल में अंदर घिरे हुए थे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पे इन्होंने हजरत उमर फारूक सियासी जहन भी रखते थे, तो लिहाजा फौरी आपने क्या किया, आप हाथ लाइए आपके हाथ पे मैं बैत कर देता हूं। बैत किया आपने, बैत करके हजरत अबू बकर सिद्दीक को, चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में गुज़श्ता 13 दिन से आप जब नमाज की इमामत नहीं कर सक रहे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक को आगे बढ़ाया था, तो लिहाजा उससे तहरीक पाकर हजरत उमर फारूक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैत की और एक बड़ा मसला हल हुआ। अब उसकी तफसीलात जुजियात में जाइए तो कई दिन बहस के लग सकते हैं कि ये रिवायत ऐसी है, ये दिरायत ऐसी है, ये ऐसा होना चाहिए था, ये वैसा होना चाहिए था। ये वो तमाम उमूर ऐसे हैं जो एक तारीख में महफूज है, अपनी अपनी स्टडी के लिहाज से उसमें आप मुताला कर सकते हैं मालूमात के लिए, मगर उसको वजह निजा अब तक नहीं बनाया जा सकता, वजह निजा अब तक नहीं बनाया जा सकता जो हम शिया और सुन्नी की शक्ल में हैं। बाज लोग बोलते हैं यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हु नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उन्होंने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो है वो किया। तो ऐसी उमूर जो चीजें इख्तलाफी आती हैं उसमें पहले तहकीक के साथ आप मुताला करना चाहिए, मुताला करके अगर शौक है तो उसमें पूरी दिलचस्पी से हिस्सा हमको लेना चाहिए, तो फिर हमको सामने बहुत सारी बातें आती हैं। मगर जहां तक हमारे ईमान का ताल्लुक है, ये सवालात हमसे नहीं किए जाएंगे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा होना था या हजरत अली पहले होना था या हजरत उमर फारूक पहले होना था। ये कुरान में जो है कि इन चीजों के बारे में तो नहीं कहा गया है।
तो कोशिश ये करें हम सवाद आजम को मुत्तहिद व मुत्तफिक रखने के लिए ये जो है हमारा वो रहना चाहिए। तो अभी चूंकि बहुत सारी बातें हैं तो मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा, लेकिन बाज जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के वाकयात जो हम सुनते हैं उनसे उनका मैं कुछ जिक्र करना चाहूंगा। एक तो था कि आप गुस्से वाले जो थे, तो हातिब बिन बलता एक सहाबी थे, उन्होंने मदीने से मक्के को अपने रिश्तेदारों को एक खुफिया खत लिखा कि आप तुम्हारे ऊपर चढ़ाई होने की तैयारी हो रही है। जब फतेह मक्का के लिए जा रहे थे ना, ये खत लिखा। वो जो है खत एक औरत जा रही थी उसकी चोंडे में निकला, चोंडे में छुपा के, चोंडा बोलते ना हमारे पास चुटिया जो बांधते, उसके अंदर रख जो है रख लेके जा रही। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिल गई, आपने खासिद को भेजा कि फलां जगह फलां रास्ते में फलां औरत सफर कर रही है, उसके पास जो है ये लेटर है। तो ये लेटर जब मंगाया गया और हातिब बिन बलता को ये इत्तला देने पर कि बड़ा जो राज रखना चाहिए था उन्होंने राज पहुंचा दिया। तो हजरत उमर फारूक को जब मालूम हुआ तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, आप अगर इजाजत दे तो मैं अभी हातिब बिन बलता का जो सर कलम कर देता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो बदर के सहाबा में से हैं, सहाबी कहां के हैं, बदर वाले हैं, उनसे गलती हो गई, उनको छोड़ दो। तो हजरत उमर फारूक तो जो भी एक यहूदी रसूलुल्लाह के पास गया, रसूलुल्लाह ने फैसला दे दिया, फैसला दे देने के बाद उसके खिलाफ हुआ तो हजरत उमर फारूक के पास आया कि रसूलुल्लाह ने तो यह फैसला किया, अब आप क्या फैसला देते। तो उन्होंने गए जाके तलवार लेकर, जो रसूलुल्लाह के फैसले के खिलाफ फैसला मांगता है उसका गर्दन जो है। तो ऐसे मोहब्बत रसूल उनके अंदर पाई जाती थी। उसी तरह आप सख्ती के साथ साथ जब अल्लाह का हुक्म सुनाया जाता तो आप कैसे अपने आप को रखते। इसीलिए हिट्टी ने एक सेंटेंस लिखा, प्रोफेसर हिट्टी अंग्रेजी की एक हिस्ट्री ऑफ द अरब्स की किताब है, उसने लिखा एक जुमला, ए रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ कूल थिंकिंग एंड हॉट टेम्परमेंट इज हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला। ये हिट्टी गैर मुस्लिम और अपनी तारीख में लिखता है, अभी वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 100 द ग्रेट में सबसे पहले जो मुकाम दिया था उसने हजरत उमर फारूक को 51वां मुकाम दिया था। उसकी ग्रेडिंग से हमको कुछ वो नहीं है, लेकिन बता रहा हूं कि दुश्मन भी मोतरिफ है उनके खिदमात का। ए रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ कूल थिंकिंग एंड हॉट टेम्परमेंट। तो चुनाचे इसकी मिसाल आप देखिए, खुतबा दे रहे, बोले कि ये बहुत मेहरबान लगे, मेहर बहुत मांग रहे औरतें हमारे पास, लिमिट कर देना 400 दिरहम मेहर की रकम मुखर कर देना। हजरत उमर फारूक बोले, बोलते साथ ही एक औरत खड़ी हो गई ना, अजी हजरत कौन होते हो, कुरान में तो अल्लाह मियां बोल रहे कि जो मेहर मानता है उसको देना है, आप कौन होते हमारे को 400 पे रेस्ट्रिक्ट करने वाले। कूल जो बोल रहा था वह आके गुस्से में नहीं है, हालांकि गलती के तौर पे पब्लिक में कहा जा रहा है, अरे हां मैं अपने अल्फाज को वापस ले लेता हूं। यह है, यह कैफियत होना चाहिए। जहां अल्लाह के अहकाम को नाफिज करने का मामला है रिश्तेदारों की भी परवाह नहीं है, और जहां अपने नफ्स को भी जो है वो कुर्बान कर देना है, जहां आप हक की बात करते हैं, कुरान के हवाले से बात करते हैं और शरीयत के मुताबिक बात करते हैं। उसी तरह सलमान फारसी का वाकया तो हर जगह आपने सुना कि आप जुमा का खुतबा दे रहे थे, दो चादरें जिस्म के ऊपर थी, तो हजरत सलमान फारसी खड़े होकर बोले, हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन आपके बदन पर दो चादरें कैसा है जबकि बैतुल माल से सबको एक एक चादर मिली है। तो मुस्कुरा के बोले, अब्दुल्ला इसका जवाब तो दो। अपने बेटे खड़े हो गए अब्दुल्लाह इब्न उमर, कहने लगे अब्बाजान को मेरे हिस्से में जो चादर आई थी मैंने दिया, इस तरह से दो चादरें उनके पास है। ये जुरत, ये जमहूरियत में ये फला जगह बात करने की ये सब ये कैफियत है हमारे में,
कबूल करने की नहीं है। तो उसी तरह आपका जब बैतुल मकदस आप जा रहे हैं, फतह हो गया है बैतुल मकदस, एक ऐसा हुक्मरान अल्लाह अकबर जिसकी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील पर थी, 22.5 लाख मुरब्बा मील के ऊपर, और उन्होंने आपकी इत्तला के लिए हजरत उमर फारूक मुद्दत खिलाफत में 10 साल 6 महीने 4 दिन हुकूमत की उन्होंने, उसमें एक मर्तबा भी किसी जंग में शरीक नहीं हुए, और मदीने में बैठ के सारे दुनिया को कंट्रोल कर रहा हो शख्स अल्लाह अकबर, एक जिहाद में भी अपने खिलाफत के दौर में नहीं गए, रसूलुल्लाह के दौर में गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में गए, लेकिन ऐसा कंट्रोल उनका था कि वहां बैठ के जंगे खादिसिया में कैसे फौज को मैसरा पे रखना है, मैमना पे रखना है, फ्रंट साइड पे रखना है, किसको अमीर बनाना है, किसको ओ क्या 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 कांपते थे दूर दूर, कैसे कैसे जनरल उबैदुल्लाह बिन जर्रा, खालिद बिन वलीद, अमर बिन आस, साद बिन विखास, अल्लाह अकबर, सब है कि वहां मदीने से बैठ के ऐसा है अहकाम नाजिर हो कि हर एक की रूह कांपती थर थर आती, और एक मर्तबा भी आपने फौज, और जब आपने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को दुनिया मारी थी, ये जहां जाते हैं कामयाबी होती है, उनसे मंसूब कर रहे हैं, तो आपने क्या कर दिया, आते साथ ही सबसे पहले उनको सस्पेंड किए, सस्पेंड कर क्यों करे, सस्पेंड इसलिए करे कि उन्होंने हिसाबात किताबात जो हैं फौज में जो खर्चा हो रहा है भेजने में देर लगाए, तो बोले हजरत खालिद बिन वलीद बोले मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में भी ऐसी देर से भेजता था, उन्होंने मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं करे, अब आप क्यों कर रहे हैं। तो अच्छा ऐसा है नहीं, इनको अबू उबैदा इब्न जर्राह के नीचे कर दो सेकंड, उसके बाद सेकंड करने के बाद भी रवैया नहीं बदले, उन्होंने क्या करे मालूम है, एक शायर को 10,000 दीनार एक हदीये के तौर पे दे दिए, खिलाफत हजरत उमर को इत्तला पहुंची, मिलाते ही जो है सस्पेंशन के ऑर्डर दे के आदमियों को भेज के बोले पूछो उनसे ये 10,000 क्या बैतुल माल से दिए या अपने जाती प्राइवी पर्स से दिए तो इसराफ करे, अगर बैतुल माल से दिए तो खियानत करे, तो क्या करना, उन्हें अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उनको माफ कर देना, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं रेजिस्ट कर रहे हैं तो उनकी टोपी उनके शमले को उनको उतार के उनके गले में वहीं पर लोगों में बांध देना कि इनकी ये सजा है, इनको सस्पेंड किया जा रहा है। कौन खालिद बिन वलीद ऐसा जनरल जो फातेह ईरान और फातेह शाम फातेह इराक, तो ये कैफियत हजरत उमर फारूक की थी। हजरत उमर फारूक के जमाने में एक ईसाई बादशाह था जिसका नाम गस्सान था, जबला गस्सानी, वो तवाफ कर रहा था, तवाफ में एहराम बांधा हुआ था, एहराम बांधते वक्त क्या हुआ, उसकी एक एहराम की चादर जो है एक आम आदमी के जो बाजू तवाफ कर रहा था उसके पैर के नीचे आ गई, पैर के नीचे आते साथ ही क्या कर रहा हूं, अभी नया नया मुसलमान हुआ था, एक थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारते साथ ही जिसको थप्पड़ मारे उन्होंने भी इनको एक थप्पड़ दिए, तो इन बोला मैं तो बादशाह था मेरी इज्जत होना चाहिए, तो हजरत उमर फारूक के पास शिकायत किया कि एक आम आदमी मुझे थप्पड़ मार दिया, तो हजरत उमर फारूक कोई परवाह नहीं करी, वापिस जाता रहता नहीं रहता, मुसलमान रहता या बादशाह था पहले कुछ भी नहीं, बोले इस्लाम में यही है, तुम्हारी चादर अगर पैर पर गलती से आ गई तो तुम थप्पड़ क्यों मारे उसको, तो चुनाचे उसको गिरा गुजरा कि हमारे पास यहां कोई बादशाह था पहले तो कुछ वीआईपी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है, वीआईपी ट्रीटमेंट, तो उन छोड़ के क्या करा, खुस्तुन दुनिया भाग गया, इस्लाम छोड़ा, उसकी परवाह नहीं की हजरत उमर फारूक, जान दो जाता तो बोले, तनख्वाहें दी जा रही थी तो अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को तनख्वाह कम दिए, उसामा बिन जैद को तनख्वाह ज्यादा दिए, बेटे बोले अब्बा जान उसामा गुलाम के बेटे, तो बोले वो रसूलुल्लाह को ज्यादा महबूब था, तुमसे ज्यादा महबूब था, उसका बाप ज्यादा महबूब था और तुम्हारा बाप उतना महबूब नहीं था,
तो उसामा बिन जैद की तनख्वाह अपने बेटे से ज्यादा की। क्या वक्त क्या थी? सिर्फ रसूलुल्लाह के उनसे मोहब्बत, रसूलुल्लाह से मोहब्बत का नतीजा। और एक मैं अभी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक वाकया मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा, वो ये कि इसका वाकये को डॉक्टर लतीफ ने भी द माइंड अल कुरान बिल्स में जो है नकल किया है। कितनी वसीउ नजरी हम मुसलमानों में होना चाहिए था, और इस्लाम की तालीमात का रूह क्या है उसको समझने की जरूरत है। हजरत उमर फारूक मदीने से मक्का आ रहे हैं, रास्ते में जो है सफर में पड़ाव डाल दिया, डेरा डाल दिया, छह छह दिन सात सात दिन लगते थे। तो एक सुबह सवेरे उठे, उठ के चहल टहलते हुए गए तो वहां पर एक लड़का, एक शेपर्ड, एक चरवाहा बकरियों को चरा रहा था। उसको जाके बोले तुम ये तुम्हारी बकरियां तुम्हारी हैं? तो उसने कहा नहीं, मेरी बकरियां नहीं हैं, मैं तो नौकर हूं, गुलाम हूं, मैं चराने के लिए आया। तो बोले तुम एक जो है बकरी उसमें से मुझे दे देना, मैं तुमको पैसा दे दूंगा उसका। नहीं, मैं नहीं बेच सकता ये, मैं आई एम नॉट द ओनर, मैं ओनर नहीं हूं, मैं नहीं दे सकता, लिहाजा क्या करो तुम भाई अपने जाके जो वर्ल्डली मास्टर है, तुम्हारा जो आका है, उससे ये कह देना कि भेड़िया आया और उसने एक बकरी को जो है लेकर चला गया और तुम पैसे इस्तेमाल कर लेना। दैट फेलो डज नॉट नो दैट ही इज उमर फारूक। वो अपनी पूरी आंखें आपके फेस पे गाड़ दिया, घूर के देखने लगा, वो जानता नहीं किसे किसको देख रहा। तो कहने लगा मैं दुनिया के मास्टर को तो धोखा दे सकता हूं, लेकिन अल्लाह को कहां से धोखा दे सकता हूं। तो ये है इस्लाम की स्पिरिट का, आप एक अंदाजा लगाना चाहे इस्लामी तालीमात अपनी हकीकी रूह में एक देहाती, एक रिमोट एरिया के अंदर, एक जाहिल शेपर्ड के अंदर वो पहुंचे या नहीं पहुंचे। जबकि हम आज इतनी इतनी बड़ी डिग्रियां रखते हैं, इतनी बड़ी बड़ी मोटी किताबें पढ़ते हैं, सब कुछ इल्म है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे में वो स्पिरिट कहां है? हमारी जिंदगियों में वो खुदा है जो वो शेपर्ड के जिंदगी में था, वो एक मामूली जाहिल शेपर्ड की जिंदगी में वो ईमान जो था, वो आज हम बहुत डिग्रियां रखते हैं, हमारे पास वो इल्म है? हमारे पास वो खौफ है? हमारे पास वो अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास है? इसका जायजा लेने की जरूरत है। यही हजरत उमर फारूक की जिंदगी से हम मकसद कर सकते हैं कि वो उतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम देने वाले, और उनकी नजर में इस्लाम क्या था, और आज हमारी नजरों में इस्लाम क्या होके रह गया? वही होके रह गया जो भाई ने पढ़ा, नमाजो रोजो कुर्बानी वो हज, ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है, वो रगों में वो लहू बाकी नहीं है, सफे कज दिल परेशान सजदा बेजौक के जज्बे अंदरों बाकी नहीं है। मैं चूंकि वक्त थोड़ा सा रह गया है, अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। अगर इन बातों से हमारे दिलों को टटोलने का हमको मौका मिलता है और हमको ईमान की हकीकी स्पिरिट और रूह को समझने का मौका मिलता है, वसीउ नजरी पैदा होती है, वो मैं समझता हूँ आज के ज़माने की दरकार है, ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करे, हमको सही इस्लाम समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता करे, रियाकारी से महफूज करे, अल्लाह अल्लाह के रसूल की रजा के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए, दुनिया की मोहब्बत के मुकाबले में अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों पर डाल दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। रोजे में बंद करना पड़ता है, और कई बातें ऐसी रहती हैं कि वो दिल दिमाग में रहती हैं, लेकिन लब पे इस वजह से नहीं आ सकती कि टाइम की पाबंदी रहती है। अजान के बारे में आप कभी गौर करते हैं कि अजान जो है, आपको तो मालूम है कुरो अर्ज ग्लोब है, जमीन जो है ग्लोब की तरह है, बॉल की तरह है, तो अजान जो है किसी भी लम्हे किसी न किसी मुकाम पे होते रहती है। अब आप यहां बैठे हैं, किसी मुल्क में अजान हो रही है, आप नमाज पढ़ेंगे, नमाज का वक्त खत्म होने के बाद वो वहां वक्त शुरू होगा, तो ये आवाज जो गूंजती है अजान की, उसकी अहमियत यह है कि कुर्रे अर्ज के अतराफ किसी न किसी जगह कोई लम्हा, जैसे कहा जाता है, यह कहा जाता है कि हवाई जहाज में कितने एयरबोर्न होते हैं दुनिया में, मतलब ये कि आप यहाँ बैठे हुए हैं,
हवाई जहाज में हवा में कितने लोग इस वक्त उड़ रहे हैं, तो 3 साल पहले अंदाजा लगाया गया था कि वक्त वाहिद में 5 लाख आदमी हवा में होते हैं, 5 लाख। आज तो एक 3 साल की बात बोल रहा हूँ मैं पहले से। तो अजान जो है हर जगह, यानी वो सिलसिला टूटता नहीं। जैसा आप यहाँ देखते होंगे, ये मस्जिद की आवाज़ शुरू हुई, वो मस्जिद की आवाज़ शुरू हुई, थोड़ी देर के बाद वो हुई, वहाँ ख़त्म हुई, या ये सिलसिला वहाँ ख़त्म होता ही नहीं। कई मुल्कों में ऐसा है कि वक्त वाहिद के अंदर ही जो है सब जगह अजान होती है, और वो भी फिर माइक पे भी होती है, रेडियो पे भी होती है, टीवी पे भी होती है। तो ये हजरत उमर फारूक का जो कारनामा है अज़ा के बारे में आपने फरमाया, ये हमारे लिए एक बड़ी मसरत का बास है कि हमें ऐसे पैगाम से उन्होंने सरफराज फरमाया। दूसरे ये भी सुन लीजिए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि गांधी जी एक पर्चा निकालते थे, वो पर्चे का नाम मालूम है किसी को भी मालूम है तो हाथ उठाइए, नहीं मालूम है पूरी जिंदगी जी हरिजन हकीम साहब हमारे खिदमत गुजार हैं मस्जिद के, हरिजन पर्चा निकालते थे वो जिंदगी भर, मरे तक भी हरिजन निकलता था। वो हरिजन में उन्होंने उस जमाने में ये कहा कि हमारी हुकूमत जो कायम होगी आज़ादी के बाद, वो तो मालूम है आपको कि 47 में आज़ाद हुए, 48 में उनके हलाक कर दिया गया, तो हमारी जो हुकूमत कायम होगी उसको तर्ज हुकूमत के लिए हज़रत उमर फारूक का तर्ज अपनाना चाहिए। हज़रत उमर के बारे में हरिजन में अभी रिकॉर्ड है लिखा हुआ। तीसरे ये कि दुनिया का एक मशहूर तरीन उर्दू का राइटर है प्रेमचंद, जानते होंगे आप प्रेमचंद। प्रेमचंद के किताबें जो है दुनिया तमाम में, और खुद सन वो इस्लामिक कल्चर से बहुत मुतासर था, और अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि जैसा वो मुसलमान घराने का आदमी लिखा है, हालांकि उसके हिंदी मतबूआत भी हैं, हिंदी में भी है मतबूआत, और हिंदी वाले कहते हैं हमारा और उर्दू वाले कहते हैं हमारा, खैर दुनिया भर में तजमा। उसने तजिया किया है कि मजाहब की बुनियाद, मजाहब का फ़र्क, इम्तियाजी फ़र्क क्या है। तो उसने जो है इम्तियाजी फ़र्क में बताया है, हिंदू मज़हब में भाईचारगी है, इम्तियाजी भाईचारगी तो हमारे यहाँ भी है, क्रिश्चियनों के पास भी है, लेकिन इम्तियाजी निशान के तौर पर बताता हूँ। और ईसाई मज़हब में रहम है, वो आपको मालूम है ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़े से वो सूली पे चढ़ाए गए थे, और रहम उनके पास मज़हब। और इस्लाम के बारे में उसने तजिया किया है कि इंसाफ़,